अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया जुबैर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि सख्त और परेशान करने वाले ससुरालियों से किस तरह निपटा जाए, किस तरह उनका मुकाबला किया जाए। बहुत अहम टॉपिक है ये। हमारे पास रोजाना कई लड़कियों की कॉल्स आती है जिनकी अभी नई शादी हुई भी होती है, ये शादी को कुछ अर्सा हुआ होता है, और उन खवातीन की कॉल्स भी हमारे पास आती है जिनकी शादी को कई कई साल हो चुके होते हैं, लेकिन ससुराल वालों का रवैया इंतहाई ख़राब होता है। वो कहते हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी ससुराल वालों के पीछे वक्फ कर दी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। जो नई लड़कियां हैं वो बहुत परेशान हैं कि हम किस तरह से इस माहौल में एडजस्ट हों। सास और नंदों ने तो ज़िंदगी अजाब की हुई है, बाहर जगह पर देवर, ससुर और शौहर ने भी ज़िंदगी अजाब की हुई होती है। अब आप सोचें ना कि जब लड़की शादियों के घर में गई हो, घर के तमाम लोग उससे खिलाफ हो गए हैं, तो क्या करेगी ऐसी सूरत हाल में। तरजीहात का फ़र्क होता है, यानी अपनी बेटी है तो उसका दुख बहुत बड़ा है, उसका दर्द बिल्कुल अलग है, लेकिन जो दूसरे की बेटी है जिसको हम बहू बना के लाए हैं वो कुछ अहमियत रखती नहीं है हमारे सामने। अपनी बेटी का दर्द जो है वो दर्द है, अपनी बेटी के काम जो है काम है, लेकिन दूसरी की बेटी का दर्द उसके काम कुछ नज़र नहीं आते। ऐसे शौहर जो है बीवियों को सुना रहे होते हैं, ससुराल जाने नहीं देते हैं, घर का माहौल ख़राब रखते हैं, लेकिन अगर अपनी ही बहन किसी परेशानी में है, किसी टेंशन में है, तो उनकी अजीब हालत हो जाती है कि मेरी बहन परेशान है, मेरी बहन टेंशन में है। तो जिस तरह आपको अपनी बहन का ख्याल है, इसी तरह आपकी बीवी भी किसी की बहन है, उसका भी ऐसे ही ख्याल करें। और मैं तो सासों से ख़ास तौर पर हाथ जोड़ गुजारिश करूँगी कि खुददारा बहुओं पर तर्स खाएँ। बहुत टफ टाइम देखती हैं लड़कियां बेचारी अपने ससुरालों में जाके। अपनी बहुओं को इतना परेशान ना करें, उन्हें इतना टफ टाइम ना दें, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आपको नहीं पता कि आपको कौन सा अमल जो है अल्लाह ताला को गज़बनाक कर दें, कौन सा अमल है जो बहुत नागवार गुजरे। क्योंकि किसी को भी इतना तकलीफ पहुँचाना अच्छी बात थोड़ी है। जब आप किसी की बेटी को लेकर आते हैं तो उस शख्स ने भी, उन वालिदैन ने भी अपनी बेटी को बहुत मोहब्बतों से, बहुत लाड़ से पाला होता है। जिस तरह अपनी बेटी का गम है आपको, उसी तरह उनकी बेटी की भी आप कदर करें। अगर हम इन बातों को समझने लग जाएं कि जिस तरह हमारी बेटी हमें अजीज़ है, इसी तरह हमारे बहू के जो घर वाले हैं उनको भी हमारी बहू इतनी ही अजीज़ होगी, तो शायद मसाइल इतने बढ़े ही ना। लेकिन खैर, मसाइल तो हैं और उनका हल भी हमें निकालना है। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से, वो कौन सी तीन बातें हैं जिन पे अमल करके आप रिलैक्स रह सकती हैं, आप पुरसकून रह सकती हैं, आप जो है मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकती हैं। पहली बात कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हों, यानी रूहानी तौर मजबूत हों। रूहानी तौर मजबूत होने से क्या मतलब है? यानी अल्लाह पे भरोसा करना सीखें। आप किसी के लिए काम ना करें, किसी से उम्मीद ना लगा के रखें कि अगर मैंने ये काम किया है तो शौहर जो है वो मुझे कुछ समझेगा, मैंने इतनी खिदमत की है तो ससुराल वाले इसका सिला देंगे। मुझे नहीं मिलता सिला। हमने देखा है ना, कई ख्वातीन जो हैं वो इतनी भी उम्र में पहुंच जाती हैं, सारी ज़िंदगी वक्फ कर देती हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता उन्हें। तो अफसोस होता है ना। अफसोस क्यों होता है? क्योंकि उम्मीदें ससुराल वालों से होती हैं। तो उम्मीदें रखना छोड़ दें, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता। कहते हैं एक चुप सौ सुख। अच्छा, बहुत से लोग इसकी भी अगेंस्ट है कि ये क्या बात हुई, एक चुप सौ सुख, यानी लड़कियां खामोश रह रहे के वक्त गुजारते हैं, कुछ बोले नहीं अपने हक के लिए। पिछले दिनों एक ग्रुप में पोस्ट भी बहुत चली थी कि ये एक चुप सौ सुख तो बड़ी गलत बात है, लड़कियों को बोलना चाहिए, अब नहीं बोलोगी तो फिर कब बोलोगी। तो देखिए, बोलना अच्छी बात है, जहाँ आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए वहाँ बोलें, लेकिन एक चुप सौ सुख से मुराद क्या है? इससे मतलब ये है कि बाज़ जगह पर खामोश रह के आप अपनी मजबूती, अपनी ताकत शो कर रहे होते हैं। आपके अल्फाज बाज़ दफ़ा इतने ताकतवर नहीं होते जितनी आपकी खामोशी ताकतवर होती है। यानी आप यूँ समझ लें, आपकी सास आपको सुना रही हैं, बेताशा सुना रही हैं, और आप भी आगे से उनको जवाब दे रही हैं। आप खुद तो बेचैन होंगी, आपकी सास और ज़्यादा बोलेंगी, लेकिन अगर वो बोल रही हैं और चुप हैं कि जितना बोलना है बोल लें, मैं नहीं कुछ बोलूँगी, अल्लाह देख रहा है कौन सही है कौन गलत है, क्या होगा? आप मुतमईन रहेंगी। जब आप रूहानी तौर मजबूत होंगी ना, तो आप सुकून फील करेंगी, आप मुतमईन रहेंगी। लेकिन अगर आपको अल्लाह का भरोसा नहीं होगा और सास के बोलने पे आपकी हिम्मत नहीं होगी जवाब देने की, और आप मजबूरन खामोश होंगी, तो बेचैन भी रहेंगी।
अल्लाह भरोसा कर रखे आप पुरसकून रहें। सास या घर में नंदे हैं या कोई भी रिश्ते ऐसे हैं जिनको आप जवाब नहीं दे पा रही हैं या मुनासिब नहीं समझ रही कि जवाब देना यहाँ पर इस वक्त दुरुस्त है, खामोश रहना बेहतर है। तो खामोश रहिए और यही शो कीजिए कि बड़ी रिलैक्स और बड़ी पुरसकून हूँ मैं। जब अल्लाह भरोसा होता है ना तो इंसान इतना ही पुरसकून होता है, इतना ही रिलैक्स होता है। तो अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करें आप, फिर देखिएगा आप कितने पुरसकून होती हैं, कितने रिलैक्स होती हैं। इन बातों का आप पे असर नहीं होगा। दूसरी बात नाजरीन कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें, यानी जहन तो वह मजबूत बनाएं अपने आप को। किस तरह मजबूत बनाएंगी आप अपने आप को अपग्रेड करें, स्किल्स सीखें नए, आप पॉजिटिव वीडियोस देखें, इनके जरिए आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जब आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग होंगे तो इस तरह के हालात आप पर असरअंदाज नहीं होंगे या आप पर हावी नहीं होंगे, यानी आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो गई और मेंटली भी स्ट्रांग हो गई। अब ये दो चीजें मिलकर आपकी ऐसी ताकत बन जाएंगी कि इन चीजों पर जो ये नेगेटिव चीजें हैं इनका आप पर असर नहीं होगा, इनको आप लेंगी नहीं। आप इतना जब पॉजिटिव सुन रही होंगी, पॉजिटिव पढ़ रही होंगी और पॉजिटिव चीजें सीख रही होंगी तो नेगेटिव चीजों का असर उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से रोजाना होता था। और साथ साथ जब आपको अल्लाह भरोसा हो जाएगा तो आपके मसाइल, खास तौर ये वाला मसला है कि ससुराल वाले बोल रहे होते हैं, गुस्सा आ जाता है, बच्चों को मारना पीटना शुरू हो जाते हैं, खुद मुंह बना लेते हैं या रोना धोना शुरू हो जाते हैं, ये चीज जो आपकी खत्म हो जाएगी। तीसरी और आखिरी बात, फिजिकली स्ट्रांग हो। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि हम इससे बहुत दफा बात कर चुके हैं। बस मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि अपनी डाइट अच्छी रखें, नींद मुकम्मल करें, अपनी पुरसकून नींद लें, साथ में एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जरूर करें आप रोजाना। दूसरी बात नाजिन, जब आप घर के काम करें तो खुशी खुशी हर काम करें, क्योंकि जब आपको काम करना ही है, मजबूरी है आपकी, आपको करना ही है ये काम, तो फिर मुंह बना के और परेशान रह के काम करने का क्या फायदा। इससे तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी खराब होगी ना, इससे तो बच्चे आपके मुतासर होंगे कि आप उदास हैं, परेशान हैं घर के कामों की वजह से, कि उसने तो काम नहीं किया, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है और ये है और वो है। तो ये और वो तो होना ही है और काम आपको करना ही है। जब काम करना ही है तो क्यों ना वो काम खुशी खुशी किया जाए ताकि आप रिलैक्स रहें, आप जो है पुरसकून रहें। आप इस बात को समझें कि अगर आप रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बड़ी बात है, तो आपके बच्चों का इस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं तो बच्चे आपके जो है आपके हाथ से निकल जाएंगे, फिर वो भी खुश नहीं रहेंगे। तो अगर आपको हर काम करना आपकी मजबूरी है तो आप खुश होकर हर काम करें। इन तीनों बातों पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करें आप। अगर ये तीन चीजें आपने अपनी स्ट्रांग कर ली, यानी स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली अपने आपको स्ट्रांग कर लिया, तो आप एक स्ट्रांग माँ बन सकती हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे मामलात में शौहर भी जब आपके साथ नहीं खड़े होते हैं तब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे होते हैं और आपकी अपनी जात होती है। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।